हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में तो फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में जे क्लास फाइव का इंग्लिश में मदर त्रेशा जो चैप्टर है आप लोगों का उस चैप्टर का हिंदी मीनिंग एक एक लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे ठीक है और अगर आपको मदर त्रेशा का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है पहले ही उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन में लिंक मिल जाएगा लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं ठीक है कर यहाँ पर डू यू नो क्या आप जानते हैं हाउ डू यू फील वैन यू हेल्प सम वन है ना इसमें रहा है जब आप किसी को मदद करते हैं तो आपको कैसे महसूस होता है मतलब आप कैसे महसूस करते हैं ठीक है डू यू नो अबाउट पर्सनस हेल्प अदर कहता है क्या आप ऐसे व्यक्तियों के बारे में जानते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं ठीक है डू यू नो अबाउट पर्सन क्या आप उन लोगों को जानते हैं जो दूसरों को मदद करते हैं ठीक है तो चलिए आगे देखिए है रीड अबाउट सम वन हु स्पेंट हर लाइफ इन हेल्पिंग अदर्स कहता है किसी ऐसे आदमी के बारे में आपको पढ़ना है ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अपना समय को स्पेंड किया है मतलब अपना समय को बिताया है है ना पूरा जिंदगी भर का किस लिए तो दूसरों की मदद करने में ठीक है कराए रीड एंड एंजॉय पढ़ें और आनंद लें तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और आनंद भी लेते हैं देखिए कराए इट वॉज़ इन द ट्रेन आई हीयरड द कॉल टू गिव अप ऑल वर्ल्डली थिंग्स एंड फॉलो हिम टू द स्लम्स टू सर्व हीम एमंग दुअरेस्ट ऑफ द इसमें कह रहा है इट वॉज़ द ट्रेन यह ट्रेन था आई द कॉल टू गिव अप जब मैंने सभी सांसारिक वर्ल्डली थिंग्स का मतलब होता है सभी सांसारिक चीज़ों ठीक है एंड फॉलो हिम और उन लोगों को फॉलो किया टू द स्लम स्लम का मतलब होता है गंदा बस्ती ठीक है टू सर्व सेवा करने के लिए हिम उन लोगों को अमंग द poorest ऑफ द पुअर मतलब गरीबों में से सबसे गरीब लोगों के बीच में ठीक है अमंग मतलब बीच में उनकी सेवा करने के लिए उस गंदी बस्ती में अनुसरण किया ठीक है आवाहन किया सी रिकॉर्ड दिस वॉज द इनर वॉइस ऑफ मदर तेरेसा यह मदर तेरेसा की आंतरिक आवाज थी मतलब अंदर का आवाज़ थी ठीक है हु सेक्रीफाइड जिन्होंने त्याग किया अपना जीवन फॉर द पुअर एंड हेल्पलेस जिन्होंने गरीबों और असहाय के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया ठीक है अब आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है मदर तेरेसा वाज ए ग्रेट पर्सनालिटी मदर तेरेसा एक महान व्यक्तित्व थी सी वाज बोर्न ऑन ट्वेंटी सिक्स अगस्त 1910। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को युगोसलाविया में हुआ ठीक है एज अ चाइल्ड बचपन में शी वाज कॉल्ड गोंगसा बचपन में उन्हें गोंगसा कहा जाता था हर फादर डैड वैन सी वाज ओनली नाइन ईयर्स ओल्ड जब वह केवल नौ वर्ष की थी तब उनके पिता की मृत्यु हो गई सी हैड टू सिबलिंग्स उसके दो भाई बहन थे आजा और लजार हर मदर दृणा अर्न ए लिविंग बाई सेविंग उनकी माँ दृणा अपना जीवन सिलाई करके जी रही थी हर मदर वाज मच इंटरेस्टेड इन रिलीजियस एजुकेशन ऑफ हर चिल्ड्रेन उनकी माँ अपने बच्चों की धार्मिक शिक्षा में बहुत रुचि रखती थी इंटरेस्टेड का मतलब रुचि रखना ठीक है और देखिए रिलीजियस का मतलब धार्मिक होता है एजुकेशन मतलब शिक्षा ठीक है हर मदर वाज मच इंटरेस्टेड उसकी माँ बहुत ज़्यादा रुचि रखती थी इन रिलीजियस धार्मिक शिक्षा में अपने बच्चों के लिए ठीक है अब आगे देखिए द चिल्ड्रेन चोट टू ट्रीट द पुअर रिस्पेक्ट बच्चों को गरीबों के साथ समान से पेश आने की सीख दी बच्चों को सिखाया गया मतलब सिखाना। पुअर विथ रिस्पेक्ट गरीबों के साथ कैसे व्यवहार करना आदर और समान व्यवहार करने के लिए एट द एज ऑफ ट्वेल्व गोनक्सा बिकेम ए नन बारह साल की उम्र में गौनक्शा नन बन गई नन का मतलब क्या होता है तो नन मतलब होता है तपस्विनी ठीक है जिसको हम लोग योगिनी बोलते हैं मठवासिनी ठीक है जो साधु संत टाइप का होता है ठीक है तो इस तरीके से बारह साल की उम्र में गोनक्शा क्या बन गई नन बन गई वैन सी वाज जस्ट एटीन जब वो केवल अठारह वर्ष की थी सी मेड ए वॉव वो मतलब होता है शपथ लेना ठीक है प्रतिज्ञा लेना टू द चर्च चर्च के लिए सी बिगन टू वर्क फॉर सेवरल उसने शुरुआत कर दी कई सारा काम करने के लिए किस में तो रिलीजियस रिट्रीट्स इन लेटनाइस में उन्होंने लेटनिस में कई धार्मिक रिट्रीट्स के लिए काम करना शुरू किया फिर आगे देखिए क्या होता है मदर तेरेसा ज्वाइंड द सिस्टर्स ऑफ आवर लेडी ऑफ लोरेटो इन 1928 मदर एट 1928 में सिस्टर्स ऑफ़ आवर लेडी ऑफ लोरेटो में शामिल हुई आगे देखिए, सी देखिएल्फ तेरेसा फिर उसने अपना नाम तेरेसा रख लिया मदर तेरेसा 1928 में सिस्टर्स ऑफ आवर लेडी ऑफ लोरेटो में शामिल हुई आगे देखिए तेरेसा अराइव्ड इन कलकत्ता जो अभी कोलकाता हो गया है पहले कोलकाता को कलकत्ता बोलते थे ठीक है तो तेरेसा जो है लोगों की सेवा करने के लिए कलकत्ता पहुंची। चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखिए सी स्पेंट द नेक्स्ट सेवेंटीन ईयर्स एट संत मेरीज स्कूल इन कोलकाता उन्होंने अगले सत्रह साल कोलकाता के संत मेरी स्कूल में बिताए ठीक है यहाँ पर स्कूल का नाम दिया हुआ है संत मेरीज स्कूल यहीं पर इन्होंने सत्रह साल बिताए आगे क्या कहता है मदर तेरेसा स्टार्टेड टीचिंग फाइव स्लम्स चिल्ड्रेन ऑफ कोलकाता कह रहा है मदर तेरेसा ने कलकत्ता के जो स्लम होते हैं गंदी बस्ती झोपड़ी वाला बस्ती वहाँ के पांच बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया नेक्स्ट डे सम गर्ल्स केम टू हेल्प हर अगले दिन कुछ लड़कियां उसकी मदद के लिए आई ए काइंड मैन गेव हर ए सिंगल रूम एक, एक दयालु आदमी ने उसे एक कमरा दे दिया मतलब इनको मदर टेरेसा को ठीक है इन दिस वे सी स्टार्टेड हर वर्क इस तरह उन्होंने अपना काम को शुरू किया ठीक है मदर टेरेसा को वहाँ पर एक घर मिल गया एक रूम वाला उसी में उन्होंने स्टार्ट किया है ना अपना काम को अब देखिए आगे क्या होता है सी फाउंड ए वोमेन हाफ ईटन बाय एंड्स एंड रेट्स लाइंग इन फ्रंट ऑफ ए हॉस्पिटल देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पर उसे एक अस्पताल के सामने ए वोमेन एक महिला हाफ इटेन बाय एंड्स मतलब आधा चीटी खाया हुआ था हाफ ईटन बाय ants एंड रेट्स मतलब वो उसको क्या किया गया था आधा चीटी और आधा चूहों द्वारा खाया गया था लाइंग इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल हॉस्पिटल के सामने पड़ी हुई थी वो औरत उस औरत को चीटी और चूहों ने आधा खा गया था ठीक है ना तो उस महिला को वहाँ पर मदर तेरेसा ने पाया अब देखिए क्या होता है मदर तेरेसा सर्वड द वोमेन अनटिल सी डाइड मदर त्रेसा सर्वड मतलब मदर त्रेसा ने सेवा की द वोमेन उस वोमेन को औरत को महिला को ठीक है अनटिल सी डेड अपनी मृत्यु तक मतलब अपनी मौत नहीं हो जाने तक ठीक है अब आगे देखिए क्या होता है आगे कह रहा है सी अपील्ड टू द अथॉरिटीज फॉर ए बिल्डिंग वेयर सच पुअर एंड हेल्पलेस पुअर कैन एंड देयर लाइफ विथ डिग्निटी देखिए उन्होंने मदर तेरेसा ने क्या किया प्रार्थना की है ना अपील की और किस से अपील की तो अथॉरिटीज़ से मतलब अधिकारियों से उन्होंने अधिकारियों से एक ऐसी इमारत मतलब एक ऐसी बिल्डिंग की अपील की मतलब प्रार्थना की जहाँ ऐसे गरीब और असहाय लोग सम्मान के साथ अपना जीवन को मतलब अपना लाइफ को एंड कर सके मतलब समाप्त कर सके खत्म कर सके ठीक है अपील का मतलब प्रार्थना करना है ना अपील करना अथॉरिटीज मतलब अधिकारी बिल्डिंग मतलब इमारत है ना हेल्पलेस असहाय और इधर डिग्निटी का मतलब सम्मान के साथ गौरव के साथ ठीक है सी वाज गिवेन ए हॉस्टल उसे एक छात्रावास दिया गया ठीक है किसको इनको मदर तेरेसा को एक छात्रावास दिया गया अथॉरिटीज के द्वारा अधिकारियों के द्वारा सी नेम्ड दैट हाउस निर्मल हृदय उसने उस इमारत मतलब उस हॉस्टल का नाम क्या रखा निर्मल हृदय रखा ठीक है तो अब आगे देखिए क्या होता है आगे मदर तेरेसा डेवोटेड हर लाइफ टू सर्व थ्री टाइप्स ऑफ पीपल मतलब मदर त्रेशा ने अपना जीवन तीन प्रकार के लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया ठीक है ना? मदर त्रेशा डेवोटेड डेवोटेड का मतलब समर्पित कर देना ठीक है अपना जीवन को सेवा करने के लिए तीन तरह का तीन प्रकार का लोगों को ठीक है तो कौन सा कौन सा हेल्पलेस पीपल असहाय लोग अनवाटेड चिल्ड्रेन ठीक है जिसको अनाथ बच्चे बोलते हैं एंड लीपर्स लीपर्स का मतलब होता है कुष्ठ रोगियों को ठीक है मतलब जिनको बहुत बड़ा बड़ा बीमारी होता है उनको ठीक है तो ये तीनों तरह का लोगों को सेवा करना इसने शुरुआत किया था ठीक है ना? और देखिए आगे अब क्या कहता है सी क्रिएटेड ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ होम फॉर द पुअर उन्होंने गरीबों के लिए घर का एक वैश्विक नेटवर्क बनाया हर ऑर्गेनाइजेशन मिशनरीज ऑफ चैरिटी प्रोवाइडेड होम टू दोज पर्सनस हु यूज टू लाई ऑन द स्ट्रीट तो उनकी संस्था ठीक है संस्था ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था ठीक है हर ऑर्गेनाइजेशन उनकी संस्था का नाम क्या है तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी ये संस्था का नाम है जो कि यह संस्था किसने बनाया मदर त्रेशा ने ठीक है प्रोवाइडेड होम टू दोज पर्सन उन लोगों को घर उपलब्ध कराती है हु यूज टू लाई ऑन द स्ट्रीट जो लोग सड़क पर रहते थे उन लोगों के लिए घर उपलब्ध कराती है ठीक है ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी ये संस्था जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्या करती है तो उन लोगों को घर उपलब्ध कराती है जो सड़कों पर रहते थे ठीक है अब आगे देखिए मदर तेरेसा वाज अवार्डेड पद्मश्री एंड भारत रत्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मदर तेरेसा को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सी Also got Nobel Prize for Peace in 1979. उन्हें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला ठीक है वो पीस का मतलब शांति तो शांति के लिए है ना उन्हें नाइनटीन सेवनटी नाइन को नोबेल पुरस्कार नोबेल प्राइज भी मिला हर नोबेल वर्क गॉट वर्ल्ड वाइड रिकॉगनीशन उनके नेक काम के लिए दुनिया भर में उनको पहचान मिली ठीक है रिकॉग्निशन मतलब पहचान वर्ल्ड वाइड मतलब दुनिया भर में ठीक है सी डेड ऑन फिफ्थ सेप्टेम्बर नाइनटीन नाइन्टी सेवन एट द एज ऑफ एट्टी सेवन पाँच सितंबर उन्नीस सौ को सतासी वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया हर लाइफ इंस्पायर्ड द पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड उनके जीवन से दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया ठीक है इंस्पायर मतलब प्रेरित करना तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो है ना आज हम लोग इस वीडियो में मदर टेरेसा का जो स्टोरी था है ना एक एक लाइन को पढ़ें और इसका हिंदी मीनिंग को भी समझ लिए अगर आपको कहीं भी समझ में अभी भी नहीं आया है तो आप फिर से कमेंट करें ठीक है कि आपको समझ में नहीं आया है तो फिर मैं आपको फिर से अलग से अच्छे से समझाने का कोशिश करूँगा ठीक है तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल जरूर रहा होगा तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए जल्दी से और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए मैं इस चैनल के माध्यम से हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर कराता हूँ मैथ का सोल्यूशन कराता हूँ ठीक है और हिंदी मीनिंग इंग्लिश का भी बताता हूँ ठीक है एक एक लाइन पढ़ के तो अगर आपको अच्छे से सीखना है पढ़ना है और एग्जाम में अच्छे से मार्क्स ऑप्टेंड करना है प्राप्त करना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को सेंड कर देना है ताकि आपके फ्रेंड्स को भी कुछ हेल्प मिल जाए और उसको भी समझ में आ जाए ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगला वीडियो में अगर क्लास फाइव का किसी और चैप्टर का हिंदी मीनिंग आपको चाहिए तो कमेंट जल्दी से कर देना है आपको ठीक है मैं उसके लिए भी आपके लिए हिंदी मीनिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आऊँगा ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में तब तक के लिए बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो